उत्तराखंड के नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण भारा की मौजूदगी में यशपाल आर्य ने विधानसभा में कार्यभार संभाला। इस दौरान कांग्रेस के 19 में से 11 विधायक नदारद रहे। आपको बता दें कि बीते रोज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण भारा ने पदभार ग्रहण कर लिया। उत्तराखंड कांग्रेस में एकजुटता के चाहे जितने भी दावे किए जाते रहे हों, लेकिन आपसी गुटबाजी का नज़ारा पार्टी में अक्सर सामने दिखाई देने लगता है। नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी के दौरान भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित पार्टी के 11 नाराज विधायक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया। व्यक्त करना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रभारी जी का और सभी अपने वरिष्ठतम नेताओं का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझ सेवक को ये दायित्व दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस दायित्व का निर्वहन हम सब मिलकर कांग्रेस विधानमंडल दल, यशपाल आर्य, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी गंभीरता के साथ निभाने का काम हम करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति की है और हम सदन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उन मुद्दों को, उन ज्वलंत प्रश्नों को और जो जनता की, प्रदेश के आवाम की आवाज़ है, मुखर होकर हम उठाएंगे और एक सजग प्रहरी के रूप में हम सरकार के कामकाज की निगरानी भी करेंगे। हमने कहा है कि हम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि उनके हर कार्यों में हमारी सहमति होगी। और मेरा मानना है कि हम संख्या में कम हैं, हमें विपक्ष में रहने का, बैठने का जनादेश मिला है, लेकिन अगर देखा जाए पूरे उत्तराखंड की जो आबादी है, जो हमारे आदरणीय मतदाता हैं, इस चुनाव में हमें 36% हमें मत मिले हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम संख्या भले ही कम हो, उन्हें बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन हमारा जो विधानमंडल दल है,